झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सबकी निगाहें राजभवन और सीएम आवास पर टिकी हुई है। इसी बीच राज्यपाल जो है वो दिल्ली भी जाते हैं, लेकिन जेएमएम के द्वारा बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर है जो राजनीतिक वर्तमान हालात हैं, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रही है राज्य की सरकार। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, राज्य की तमाम जनता तक यह संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि क्या जो वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह भारतीय जनता पार्टी के कारण है? मुख्यमंत्री के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई तो लीज का मामला था कि वो मंत्री रहते हुए, विभागीय मंत्री रहते हुए लीज खुद के नाम आवंटित करा लिया, उसको लेकर रघुवर दास जी ने शिकायत की। दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी है, इसी का जो वहाँ से एक निर्देश है और राजभवन पहुँच चुका है। अब उसमें क्या लिखी हुई बातें हैं उसको लेकर कल जिस तरह से हंगामा किया गया, आपने देखा कि राजनीतिक नौटंकीबाजी ही कहेंगे इसे, कि राजभवन में जाकर राज्यपाल महोदय से ये कहा गया कि क्या लिखा हुआ वो आप सार्वजनिक कीजिए, ये दबाव बनाने की राजनीति है। मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये विशेषाधिकार है राज्यपाल का कि वो विधि विशेषज्ञों से राय लें, क्योंकि आगे चलकर इस मामले को हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। ये नज़ीर बनेगा राज्य के लिए, आने वाले दिनों की राजनीति के लिए। तो आनंद फानंद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह की राजनीति करती है और गठबंधन के लोग जिस तरह से हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो राजनीति वैसी नहीं चलती, बिल्कुल सुविचारित कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पत्र आए इलेक्शन कमीशन के या फिर राजभवन ने जो फैसले में या सुनाने में देरी की है, ठीक है वो कानूनी सलाह ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है जो कि कामकाज चले। लेकिन वो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि राज्य के कामकाज को भी ठप करा दिया है। देखिए, बीजेपी का मैं समझता हूँ कि अपने विधायकों को डर दिखाया जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्योंकि उनके तीन विधायक जब पकड़े जाते हैं बंगाल में, तो जब वो बेल पर बाहर आते हैं तो अपनी पार्टी के ही लोगों पर वो आरोप लगाते हैं कि षड्यंत्र पार्टी के अंदर से रचा गया और हम लोगों की गिरफ्तारी करवाई गई। उस पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करना चाहती है। कह रहे हैं खरीद फरोख्त की कोशिश फिर की जा रही है, धन कुबेर आकर बैठ गए, 800 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, 1000 करोड़ रुपए जो है पहुंच चुके हैं झारखंड। राज्य के अंदर अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो आपके साथ तो सारे इंटेलिजेंस यूनिट हैं, आप लगाइए खुफिया तंत्र को, पकड़िए वैसे लोगों को कौन है। उस पर कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करना चाहती है। कह रहे हैं खरीद फरोख्त की कोशिश फिर की जा रही है, धन कुबेर आकर बैठ गए, 800 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, 1000 करोड़ रुपए जो है पहुंच चुके हैं झारखंड। राज्य के अंदर अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो आपके साथ तो सारे इंटेलिजेंस यूनिट हैं, आप लगाइए खुफिया तंत्र को, पकड़िए वैसे लोगों को कौन है। एक सब्जी वाले को पकड़ा था आपने 2-3 महीने पहले 6 महीने पहले, सब्जी वाले और कौन कौन ठेला वाले को पकड़ कर ले आए थे, कुछ नहीं निकला आज तक। तो ये सरकार जो है ना, काम तो कर नहीं पा रही है, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाकर अपना दामन बचाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि लोग भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण में कहीं नहीं है, हम उनकी सरकार ना तो अस्थिर कर रहे हैं ना हम गिराने की कोई रुचि रखते हैं। 50 विधायकों के साथ उनको मैंडेट मिला है, वो कामकाज करें अपना। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया कि शुरुआत उनकी ही परंपरा है, उनके द्वारा ही जो किया गया वो सिर्फ हम कॉपी कर रहे हैं। हमारे जूते में अगर पांव डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको मुखर होकर बोलना चाहिए कि पलामू में भी जो घटना हुई है, दलितों को भगा दिया गया और उन लोगों का मनोबल इतना ऊँचा कि प्रशासन जब उन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए गई तो उसको भी खदेड़ दिया गया। आज तक मुख्यमंत्री या उनके भाई जो विधायक हैं दुमका से, अंकिता के घर मिलने तक नहीं गया, उनको फुर्सत नहीं है। तो हम तो भाई जो हिंदू माइनॉरिटी है खासकर, उसके रक्षा के लिए हम मुखर होते हैं और जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल है और जिस तरह से तुष्टिकरण ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम मुखरता से उनका विरोध कर रहे हैं। अंकिता मामले को आप उठाते हैं लेकिन सीमा पात्रा पर बीजेपी चुप क्यों हो जाती है, यही सवाल सरकार की तरफ से सत्ता पक्ष। दो बड़े नेताओं का बयान आ गया, माननीय बाबूलाल मरांडी जी का और रघुवर दास जी का, कि जघन्यतम अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है और कानून अपना काम करेगा। उसमें किसी भी तरह की मैं समझता हूँ कि पार्टी हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, क्योंकि उनको निलंबित किया गया है और आगे निष्कासित भी किया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि महिलाओं के साथ जो बीजेपी आगे बढ़ाने की बात करती है, जो हुआ इसके लिए जो सरकार या फिर जो सत्ता पक्ष है वो सीधे तौर पर दिल्ली से नेता आते हैं,
कांग्रेस के, और वो कहते हैं कि बीजेपी के डीएनए में है आदिवासियों को अपमानित करना। देखिए, आदिवासियों के गौरव के लिए हम लोगों ने क्या कुछ किया है, सिर्फ एक घटना से उस सारे नैरेटिव को आप बदल नहीं सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 15 नवंबर को हम लोगों ने आदिवासी गौरव दिवस का बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को मनाने की घोषणा की। उसके अलावा अटल जी की सरकार के समय भी एक अलग मंत्रालय बनाया गया जो बिल्कुल स्पेसिफिकली आदिवासियों को मुद्दों को लेकर आगे चलेगा, कैसे उनका विकास हो। इसलिए किसी के कह देने मात्र से जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड खुद अच्छा नहीं रहा हो, वो अब हम पर उंगली उठाए, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जिस तरह से सरकार या मुख्यमंत्री के खनिज लीज मामले आए, बीजेपी मुखर होकर सड़क से लेकर के सदन तक इस मामले को उतना तुल नहीं दे रही है, आखिर क्या वजह? देखिए, जब मामला न्यायालय के अधीन था, इलेक्शन कमीशन के पास हम लोगों ने शिकायत की, राज्यपाल महोदय को दिया, राज्यपाल महोदय ने उसको अग्रसारित कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस पर आप देखिए तकनीकी मुद्दे क्या हो सकते हैं। तो वहाँ दोनों पक्षों के वकील ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि हम अपने दलीलें दें। तो अब जब मामला कहीं विचाराधीन हो तो मैं समझता हूँ कि सड़क पर उतना हायतौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। जिन लोगों को भरोसा नहीं है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि संवैधानिक संस्थाएँ बात सुनने के उपरांत जो न्याय उचित होगा वो फैसला करेंगे। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो वर्तमान हालात हैं, पांडू में 50 अल्पसंख्यक के द्वारा जो है 50 आदिवासी या दलित परिवार को भगा दिया गया वहाँ से, फिर अंकिता के साथ जो हुआ, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं, तेजाब चतरा की एक बेटी के शरीर पर तेजाब फेंक दिया गया, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पांडू गए हुए हैं, उन जो दलित परिवारों को वहाँ से हटा दिया गया जबरन, उनसे मिलने गए, उनका दुख दर्द समझने गए हैं। और अंकिता का मामला आप याद कीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने ही उठाना शुरू किया, उसके बाद ये जो एसिड पीड़िता लड़की है उसको लेकर हम लोगों ने जिस तरह से सरकार के कान खिंचाई की, तब सरकार को लगा कि नहीं, गलती एक अंकिता पर हो चुकी है, इसलिए इसको एयरलिफ्ट करके जल्दी से जल्दी एम्स दिल्ली भेज दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े स्वतः स्पष्ट करते हैं कि एक साल में अगर 1425 महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रेप की घटनाएं होती हैं, ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 4 कांड रोज हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, तो मुख्यमंत्री जी को चुप्पी साधने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन पांडू जाता है ताकि उन हटाए गए परिवारों को हम बसाएं फिर से, लेकिन प्रशासन के समक्ष कैसी चुनौतियां आई वहां, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर उन पर हम लाठीचार्ज तक कर सकें। तो मुख्यमंत्री को तो मैं समझता हूं कि एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए था इस केस को, कि अगर आप पुलिस को नहीं घुसने देंगे किसी जगह में, ये कोई मतलब लॉ लैंड ऑफ लॉ है ना, कानून का शासन है। इस हालात के बीच में एक फैसला कल कैबिनेट में हुआ है कि विशेष सत्र बुलाया जाए एक दिन का, क्या बीजेपी के विधायक इस सत्र में शामिल होंगे और क्या मकसद है इस सत्र का? देखिए, सत्र जब भी बुलाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन होना है, और सत्र के दौरान, चूँकि विशेष सत्र है तो सत्र के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन अभी चूँकि कैबिनेट का ये मामला है तो जैसे ही ये बात हम बसाएं फिर से, लेकिन प्रशासन के समक्ष कैसी चुनौतियां आई वहां, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाकर उन पर हम लाठीचार्ज तक कर सकें। तो मुख्यमंत्री को तो मैं समझता हूं कि एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए था इस केस को, कि अगर आप पुलिस को नहीं घुसने देंगे किसी जगह में, ये कोई मतलब लॉ लैंड ऑफ लॉ है ना, कानून का शासन है। इस हालात के बीच में एक फैसला कल कैबिनेट में हुआ है कि विशेष सत्र बुलाया जाए एक दिन का, क्या बीजेपी के विधायक इस सत्र में शामिल होंगे और क्या मकसद है इस सत्र का? देखिए, सत्र जब भी बुलाया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन होना है, और सत्र के दौरान, चूँकि विशेष सत्र है तो सत्र के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन अभी चूँकि कैबिनेट का ये मामला है तो जैसे ही ये बातें आएंगी कि मुद्दे कौन से होंगे, हमारे विधायक दल बैठेगी, एक साथ चर्चा करेगी, उसके उपरांत ही कोई फैसला होगा प्रदेश नेतृत्व के साथ कि सत्र में जाना है नहीं जाना है, सत्र उपयोगी होगा अनुपयोगी होगा, या सत्ता पक्ष सिर्फ अपनी दादागिरी दिखाने के लिए विशेष सत्र के नाम पर मनमानी करना चाहता है। तो ये थे प्रदीप सिन्हा जी, जिन्होंने राज्य के राजनीतिक वर्तमान हालात सहित जो राज्य में कानून व्यवस्था है उन तमाम सवालों को और जो विशेष सत्र आहूत की गई है सब पर बेबाकी से अपना जवाब रखा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।